तो सोचिए कि उसको कितना डर है। सबसे ज्यादा डर तो किसको, औरतों पे है। अगर औरत पे डर नहीं होता तो पुरुष लोग पे तो धारा लगा ही रहा, औरत पे भी धारा लगाने के लिए मजबूर हुआ, वो भी 353 का। ये सोचने वाला बात है। इसलिए औरत को शिक्षित बनाना है ताकि वो कितनों भी धारा लगाए डरना नहीं है। और सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग बाहरी जितना संस्कृति है उसको कैसे अपना रहे, बाहरी परंपरा को। जैसे पूजा दीदी बोली दहेज, दहेज वाला को हम लोग अपनाए हैं क्योंकि हमारा झारखंडी परंपरा में दहेज नहीं है। क्या दादी पहले होता था दहेज? नहीं। लगन होता है ना, लगन, लगन में एक पोटली आता है, गमछा का देता है ना लगन में, लड़की घर आता है लड़का घर से, वो पोटली में कुछ पैसा रहता है ना, पैसा रहता है ना, 101 कुछ भी हो, हल्दी रहता है और पोटली में पैसा भी रहता है। वो पैसा क्यों दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सगुन, सगुन नहीं, उसको सगुन नहीं। यही से तो बात गड़बड़ हो जाता है। हम लोग उसको बोलते ही अलग है, उसको अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उसे सगुन नहीं कहा जाता है। हमारे कोल्हान में दहेज नहीं लगता, इसीलिए हमको थोड़ा बहुत मालूम है कि वो सगुन नहीं होता, उसको पोन बोलते हैं। हमारे झारखंडी भाषा में उसको फोन बोला जाता है, फोन टका, फोन पैसा, जो जैसे बोल सकता है वो फोन होता है। फोन किस लिए दिया जाता है कि हम जो मेरा बहू लेके जाएंगे, उनका ससुर देता है, लड़का का बाप देता है, हम जो मेरा बेटा के लिए बहू लेके जाएंगे, उसको आप पास पोस के बड़ा किए हैं छोटा से, तो आपको उसी का खर्चा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पहले 10 रुपया 11 रुपया बहुत पैसा होता था ना, बहुत ज्यादा होता था 11 रुपया, इतना भी होता था ना। हाँ, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं उसमें, वो लोग 101 रुपया दे देते हैं, हम लोग 200 रुपया देकर बेटी को विदा कर देते हैं। आप लोग एक बात बताइए, जब दुकान जाते हैं आप लोग कुछ सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार से सामान भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना, तो फिर बेटी भी देते हैं और पैसा भी क्यों देते हैं हम लोग, बताइए? नहीं देना चाहिए ना। आप लोग बेटी भी देते, जिसको आप अपना आंखों से कभी दूर नहीं करते हैं, दूसरों का साया, बुरी साया में आने नहीं देते हैं, बुरी नजर के सामने नहीं लाते हैं, उनको आप लोग पैसा देके किसी और का घर विदा कर देते हैं। क्या आपका बेटी को ले जाकर वो महारानी बना के रखेगा? आपका बेटी है तो वो वंश आगे बढ़ाएगा, पैसा तो उसको देना चाहिए, देना चाहिए ना, तो फिर आप लोग क्यों देते हैं? यही चीज कहना है कि जितने भी माता पिता है, जितने भी बेटी के पिता है, भाई है, सबसे यही कहना है कि सबको पैसा देना बंद कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा अगर पैसा लीजिएगा दहेज दीजिएगा तो हम अपना बेटी बहन शादी नहीं कराएंगे। ये किस दिन सबने आवाज उठाओगे, संगठन बना के एकता दिखा करके, तो फिर लड़का कहाँ से शादी करेगा? कोई जब लड़की नहीं देगा तो एक लड़का से तो शादी करेगा नहीं कभी, उसको लड़की से ही शादी करना है। जब उसको लड़की नहीं मिलेगा, कोई नहीं दोगे, तो मजबूर होकर बिना पैसा के लड़की से शादी करेगा, करेगा ना। और जो लड़के के बाप होते हैं वो बोलते मेरा बेटा को हम अच्छा से पढ़ाए लिखाए नौकरी कराएं तो पैसा लेंगे ही, तो सीधा बोल दीजिएगा ठीक है हम देंगे आपको पैसा, आपका बेटा को नौकरी कराएंगे, लेकिन आपका बेटा को मेरे घर पे रहने बोलिए, वो मेरे को पालेगा पोसेगा तब हम देंगे। तेरा बेटा को तुम नौकरी कराया तो तुमको ना पालेगा, तुमको ना पोसेगा, मेरा बेटी को तुम रानी बनाने ले जा रहा, मेरा बेटी को वंश आगे बढ़ाने ले जा रहा ना, तो फिर हम पैसा क्यों देंगे, पैसा तुम दो। यही चीज कीजिएगा, ठीक है बोलिएगा देंगे, लेकिन तेरा बेटा को मेरा घर छोड़ना पड़ेगा और एक पैसा भी तेरा बेटा नौकरी का पैसा तुमको नहीं देगा, तेरा बेटा का पैसा का तरफ तुम नजर भी मत डालना, तब हम पैसा देंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा को तुम खरीद रहे हैं, तुम्हारा बेटा का नौकरी भी खरीद रहे हैं। और लड़के के जो पिता होते हैं, लड़के होते हैं, उन लोगों से भी एक बात कहना है कि आप लोगों में इतना भी काबिलियत नहीं है, इतना भी दम नहीं है कि किसी बेटी का बाप को जमीन बेचवा के आप लोग पैसा लेते हैं। अरे मर्द है आप लोग, बुरा लगेगा मेरा शब्द थोड़ा, लेकिन हकीकत बात है, आप लोग मर्द है, आप लोगों में इतना काबिलियत है कि आप लोग शादी करके अपना बीवी को पाल पोस सकते हैं, क्यों आप लोग रुला के किसी को किसी से पैसा लेते हैं? अगर आप में काबिलियत नहीं है अपना बीवी बच्चा पालने का तो मत कीजिए ना शादी, आप रह जाइए ऐसे ही घर में रह जाइए, क्या जरूरत है शादी करने का? आसपास में जितना स्कूल है ना, स्कूल सरकार क्या बोलते हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बच्चा स्कूल जाएगा, ये कहते हैं ना चुटा देते हैं बच्चे, तो क्या बच्चा कपड़ा पहनेगा नया नया हर बार, स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस चेंज होते रहेगा, उसी में बच्चा का शिक्षा होगा, जूता में शिक्षा होगा? अरे अच्छा मास्टर दो स्कूल में, अच्छा तो पढ़ाई लिखाई करवाओ स्कूल में, तब बच्चा शिक्षा बनेगा।